नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव का रंग जिलों की नगरी उदयपुर शहर में भी होते मतदान के अंतिम दौर में सतरंगी होता नजर आ रहा है। यहाँ जहाँ चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार देर शाम करीब 4 बजे तक उदयपुर शहर में मतदान 53% आमजन के द्वारा किया जाना सामने आया है। वहीं चुनाव के आयोग के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार मतदान करने की प्रक्रिया शांतिमय तरीके से होती नज़र आ रही है, लेकिन इसके दूसरी ओर शहर के एक पोलिंग बूथ पर उस समय मामला गर्मा गया जब शहर भाजपा विधानसभा प्रत्याशी अपने 15 से 20 समर्थकों के साथ दहली गेट स्थित तैया भैया स्कूल मतदान केंद्र पर पहुंचे। और आपको बता दें कि लोकतंत्र के महापर्व के तहत शहर के आमजन संविधान से मिले अधिकार के तहत अपने मत का उपयोग करने पहुँचे, जहाँ अचानक हुए हंगामे से वह खौफजदा होकर मौके से बिना मतदान किए नदारद हो गए। मिली जानकारी के अनुसार सर भाजपा विधानसभा प्रत्याशी ताराचंद जैन अपने भाजपा समर्थित कार्यकर्ता जिनेंद्र शास्त्री, मंडल अध्यक्ष सिद्धार्थ शर्मा के साथ लगभग 15 से 20 कार्यकर्ताओं के साथ तैया भैया मतदान केंद्र पर पहुंचे, जहां शांतिमय तरीके से मतदान करने के तहत लगे जिम्मेदार अधिकारी और प्रशासनिक कर्मियों के साथ धक्का मुक्की कर नियमों को तोड़ मतदान केंद्र में घुसने का प्रयास कर रहे थे। साथ ही होती मतदान प्रक्रिया में पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लगाने के साथ कतारबद्ध हुए मतदाताओं को मतदान करते हुए भी प्रभावित कर रहे थे। मौके पर उपस्थित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नियमों के विरुद्ध चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने का विरोध किया और चुनाव आयोग अध्यक्ष जिला कलेक्टर को संबंधित घटनाक्रम को लेकर सूचना दी, जिस पर संबंधित क्षेत्र के डिप्टी चांदमल सिंगारिया के साथ ही थानाधिकारी अतिरिक्त प्रशासनिक जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मतदान केंद्र पर उन्माद मचाते हुए भाजपाइयों को मौके से हटाया। अरे अपने गेट छुड़वा उनको, यूं के बोलते नहीं करो, अपने वोट रोकने के लिए कर रहे हैं। हां काम कर रहे हैं वोट डाल रहे हैं जा रहे हैं हां।